यूपी में नहीं सुधर रही है स्वास्थ्य सेवा, बीएचयू में इंडस्ट्रियल गैस से हुई मौतें। गोरखपुर कांड के बाद एक बार फिर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बनारस के सुर सुंदर लाल अस्पताल में जून महीने में हुई चार मौतों की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो औषधि श्रेणी में नहीं आती है, यानी इलाज में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जिस एजेंसी का अस्पताल को गैस सप्लाई करने का काम दिया गया था उसके पास किसी भी तरह का कोई मेडिकल गैस उत्पादन करने का लाइसेंस भी नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के बारे में ये सारे एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं। यूपी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सर सुंदरलाल अस्पताल में इसी साल 6 और 7 जून को सफल ऑपरेशन के बावजूद 4 मरीजों की मौत हो गई थी। इन मरीजों की मौत के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि ऑपरेशन सफल था तो मरीजों की जान कैसे गई। कुछ मरीजों के परिजनों ने यह सवाल उठाया था कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के लिए दी जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड के ओवरडोज से मौतें हुई हैं। इस मामले की जांच के लिए बीएचयू प्रशासन ने एक फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी भी बनाई थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इस मामले से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि अस्पताल में गलत गैस की सप्लाई की गई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि अस्पताल में नॉन फार्माकोपियल ग्रेड नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया था जो कि औषधि की श्रेणी में नहीं आता है। इसके साथ ही एक आरटीआई से यह साफ होता है कि गैस सप्लाई करने वाली परेराट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को किसी भी तरीके का मेडिकल गैस का उत्पादन करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। धन्यवाद।